फ्रैंकलिन भैया मैं बताता हूँ, सुनो, डोरेमोन एक कैट रोबोट है जो कि 21st सेंचुरी से आया है। अरे हाँ वो तो हम लोग जानते हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, यहाँ पर ना टाइटन और बुआ वो सब रोबोट को पकड़ लेता है। तब ठीक है फ्रैंकलिन, अभी मेरा बारी है। हाँ, ये खा, अभी चलो मैं जाके डोरेमोन इस कैट रोबोट को लेके जाता हूँ। चलो डोरेमोन, बहुत हुआ, अभी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो फिर ये है लॉस सैंटोस, और इसी जगह पे रहता है हमारा दुश्मन वो कैट रोबोट डोरेमोन और नोबिता। और हमें उस नोबिता और डोरेमोन उन लोगों को लेने के लिए आया हूँ। तो चलो यहाँ पर ही पूछना पड़ेगा कि वो लोग जो है वो कहाँ पर है, इन लोगों ने देखा है कि नहीं। मुझे जिस काम के लिए भेजा गया है उसी काम के लिए मुझे यहाँ पे सब कुछ करना पड़ेगा। ये रो, ये कहाँ है नोबिता, कहाँ है डोरेमोन, कहाँ है वो दोनों? मुझे वो दोनों चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। तो फिर ये बेकार के मनुष्य ये मुझे मारेगा, टाइटन वर को मारेगा। हाँ, इतना बड़ा हिम्मत, यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है नोबिता, कहाँ पर है डोरेमोन? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। बोलो कहाँ पर है, कहाँ पर है, पता पता। ये लोग मुझे नहीं मार सकते, मैं सबको खत्म कर दूंगा। तो भाई साहब बताओ कितने आदमी थे? अरे फ्रैंकलिन भैया सिर्फ एक यार। मतलब तुम में से सिर्फ एक लोग और मेरे पूरे 15 बर्गर जो वो खा गए। हाँ शर्म नहीं आता भाई साहब तुम लोगों को? अबे यार शर्म गया तेल लेने में, भूख लगा तो मैंने खा लिया बे। अरे फ्रैंकलिन भैया यार मेरे को भी एक नहीं दिया यार, ये सब कुछ खा गया यार। अच्छा तो ठीक है, इसको तो सजा मिलेगा, बराबर मिलेगा। अबे यार कल वे क्या सजा देने वाला है बे? अरे यार सजा में मेरे को 2-4 हड्डी दे देना बे। 2-4 हड्डी, ठीक है। तो आज से ये सजा होगा कि यहाँ पर कोई भी जो वो खाना नहीं दिया जाएगा पूरे 15 दिनों तक, क्योंकि 15 बर्गर खाए भाई साहब और 15 दिनों तक इसको कोई भी हड्डी कोई भी खाना जो है नहीं मिलेगा। अबे यार कलुए यार इस तब छोटे से बच्चे के ऊपर ऐसा मत कर बे। अबे भाई साहब तूने 15 बर्गर खाए भाई साहब बिना बोले, और सिंचन नोबिता डोरेमोन को भी नहीं दिया। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं भी नहीं दूंगा यार इसको। अरे फ्रैंकलिन भैया हाँ मैं भी नहीं दूंगा। अबे यार नोबिता मैंने तेरे से पूछा भी नहीं है यार। अबे कलिया मेरे प्यारे कलिया यार ऐसा मत बोल बे भाई साहब। नहीं मतलब नहीं। अबे ठीक है तो आ जाओ भाई साहब, आज हम लोग एक साथ मिलके भाई साहब टीवी देखेंगे। बहुत दिन हो गया यार ये बेकार का भाई साहब गेम खेलते खेलते भाई साहब। चलो टीवी देख लेते हैं। चलो सिंचन क्या देखना है? अरे फ्रैंकलिन भैया मुझे एक एक्शन कैमिन देखना है यार। अबे चुप, तुझे क्या देखना है? अबे मैं तेरे से बात नहीं करूंगा बे। अच्छा ठीक है मत कर। अरे तो ठीक है सिंचन आ जा भाई साहब, सभी लोग बैठ के भाई साहब एक साथ टीवी देखते और भाई साहब देखेंगे क्या हो रहा है। बे भाई साहब ये क्या हो रहा है यार? आज की सबसे बड़ी खबर, लॉस सैंटोस की मिलिट्री बेस में एक अचानक से एक रोबोट टाइप का चीज या फिर एक जानवर कौन है पता नहीं, लेकिन इसने कर दिया है हमला। वो लगभग बहुत सारे मिलिट्री मैन आर्मी मैन को ऑलरेडी मार चुका है, और यहाँ पर पूरे लॉस सैंटोस की पुलिस जो है इसके पीछे पड़ा है, लेकिन अभी तक इसको मारने वाला कोई जो पैदा नहीं हुआ है ऐसा जो लग रहा है। तो फिर आप सभी लोग जो वो घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से जो है बाहर निकलने की कोशिश भी मत कीजिए जब तक ना ये खूंखार जानवर जो वो अरेस्ट हो जाता है तब तक। अबे गाइस तुम लोगों ने देखा यार ये क्या हो रहा है, न्यूज में क्या बता रहे हैं भाई साहब? अरे फ्रैंकलिन भैया। अरे हाँ भाई साहब। अरे फ्रैंकलिन भैया। अरे हाँ बता भाई साहब। अरे फ्रैंकलिन भैया इसको मैं जानता हूँ यार। अच्छा क्या भाई साहब तू इसको जानता है? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं और नोबिता दोनों इसको जानते हैं यार। अबे यार तेरा कोई दोस्त है क्या बे? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया ये है टाइटन बुआ। टाइटन बुआ? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया टाइटन बुआ। अबे भाई साहब टाइटन बुआ कौन है यार? अरे फ्रैंकलिन भैया टाइटन बुआ एक ऐसा खतरनाक रोबोट है मेरे और डोरेमोन के पीछे पड़ा है। तेरे और डोरेमोन के पीछे पड़ा है? भाई साहब मैं कुछ समझा नहीं यार, जल्दी भाई साहब यहाँ पे आ भाई साहब, बाहर पे जाके भाई साहब पूछते। अरे भाई साहब डोरेमोन अभी बता भाई साहब क्या हुआ है? अरे फ्रैंकलिन भैया मैं बताता हूँ सुनो, डोरेमोन एक कैट रोबोट है जो कि 21st सेंचुरी से आया है। अरे हाँ वो तो हम लोग जानते हैं। अरे हाँ
फ्रैंकलिन भैया यहाँ पर ना टाइटन और बुआ वो सब रोबोट को पकड़ लेता है और वो सब रोबोट को पकड़ के उसको डिसमेंटल करके उसका जो मालिक है टाइटन उसको जो है वो सौंप देता है और टाइटन जो है रोबोट्स का पार्ट्स बेच के जो है वो यहाँ पे सब कुछ खरीदता है। अबे भाई सब ऐसा है क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया ऐसा ही है। अरे फ्रैंकलिन भैया चिंता मत करो यार, नोबिता डोरेमोन तुम भी चिंता मत करो यार। अरे क्यों ना चिंता करे? अरे यार हमारे पास है खतरनाक एवेंजर्स की शक्तियाँ। अबे हाँ यार चिंता करने की कोई बात नहीं यार, खतरनाक एवेंजर्स की शक्तियाँ है हमारे पास और वैसे एवेंजर्स भी है। अरे फ्रैंकलिन भैया नहीं यार, ये एवेंजर्स कुछ नहीं कर सकते टाइटन और बुआ की। अबे भाई सब क्या बोल रहे है? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया टाइटन और बुआ एक बहुत ही ज्यादा एडवांस रोबोट है और ये रोबोट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, उसको तो एवेंजर्स छू भी नहीं सकते। अबे भाई सब ऐसा बात है? अरे फ्रैंकलिन भैया तो गड़बड़ वाला बात हो गया यार। अरे हाँ लगता है टाइटन और बुआ फिर से डोरेमोन को लेने के लिए आया है। तो यार डोरेमोन को लेने के लिए आया है? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, और यहाँ पर हम लोगों को बहुत जो लेकर चला जाएगा। अबे भाई साहब हो ही नहीं सकता यार, मैं डोरेमोन को जाने ही नहीं दूंगा भाई साहब। अरे फ्रैंकलिन भैया टाइटन और बुआ से आज तक कोई भी नहीं जीत सका है। भाई साहब मैं जीतूंगा भाई साहब, फ्रैंकलिन जीतेगा, तुम लोगों का बड़े भाई हूँ मैं फ्रैंकलिन। भाई साहब अगर ऐसा नहीं हो सकता क्या कि अगर हम लोग उसको ही जड़ से खत्म कर दे? अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन बात तो ये है कि यहाँ पर टाइटन और बुआ को पता कैसे चला कि हम लोग दूसरे डायमेंशन में लॉस सेंटोस में है? अबे भाई साहब ये बात भी तो सही है यार, उसको कैसे पता चला? कोई तो भाई साहब ऐसा बीच में है जो भाई साहब हर खबर जो उसके बीच पे पहुंचाता है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया कोई तो ऐसा है यार। अबे हाँ यार। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया तो फिर चलो यार टाइटन और बुआ को खत्म करने। अबे भाई साहब तूने तो अभी कहा कि हम लोग नहीं खत्म कर सकते। अरे फ्रैंकलिन भैया लेकिन फिर भी यार चलो एक ट्राई करने पे क्या होता है। अरे हाँ तो ठीक है यार चलो, मेरे को क्या है, मैं तो भाई डोरेमोन को बचा लूंगा। लेकिन यार गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि टाइटन और बुआ से यहाँ पर डोरेमोन नोबिता बच जाए और वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहे, अभी नीचे कमेंट कर दो आपका राय कि आपको क्या लगता है डोरेमोन को क्या टाइटन और बुआ पकड़ लेगा, क्या होगा। और गाइस इस वीडियो का मैं लाइक एम रखता हूँ पूरे 500 लाइक का, 500 लाइक का टारगेट पूरा कर देना गाइस। तो चलो अभी हम लोग जाएंगे टाइटन और बुआ को खत्म करने के लिए और भाई साहब यहाँ पे टाइटन और बुआ को खत्म करके ही हम लोग आएंगे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया। अबे हाँ चल आजा। अबे यार कल मैं भी जाऊंगा बे। अबे नहीं चुप तू रह जा भाई, यहाँ पे हम लोग ही जाएंगे। अबे यार क्यों कल? भाई साहब अगर कुछ गड़बड़ हो गया ना तो भाई साहब तू भी भाई साहब जाएगा यार। चलो हम लोग जाते हैं भाई साहब, घर का ख्याल रखना। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया ठीक है यार चलो। ठीक है भाई साहब, लेकिन एक बात बता नोबिता, यहाँ पर भाई साहब हम लोग टाइटन और बुआ को ढूंढेंगे कैसे भाई साहब, कि वो कहाँ पर है? अरे फ्रैंकलिन भैया टाइटन और बुआ को हम लोग नहीं ढूंढ सकते। अच्छा? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया टाइटन और बुआ को हम नहीं ढूंढ सकते लेकिन टाइटन और बुआ हमको जरूर ढूंढ सकता है। अच्छा भाई साहब ऐसा है क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया कुछ ऐसा ही है। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया नोबिता बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अबे हाँ यार एवेंजर्स की हेल्प ले ले क्या? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया एवेंजर्स कुछ नहीं कर सकते इस पे। अबे ठीक है यार, तो फिर गाइस यार चलो अभी हम लोग जाते हैं वैसे एक ऐसे जगह पे जहाँ पर गाइस हम लोग जो खड़े रहेंगे टाइटन और बुआ की वेट करेंगे, टाइटन और बुआ हमको पकड़ने के लिए आए भाई साहब उसके लिए हम लोग वेट करेंगे ताकि भाई साहब अभी देखते हैं कि क्या होगा। तो फिर लो भाई साहब अभी हम लोग आ चुके एक ऐसे जगह पे जहाँ पर भाई साहब हम लोग वेट करेंगे टाइटन और बुआ यहाँ पर जो आ जाए। तो ये जगह क्या ठीक ठाक लग रहा है नोबिता? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया थोड़ा सा और खाली स्पेस में चलो यार। अबे ठीक है यार चल जाते हैं यार। अरे भाई साहब कहाँ पर जाए यार? अबे यार ये तो सड़क आ गया फिर से। अबे गाइस कहाँ पर जाए यार? यहाँ पर नहीं भाई साहब। अरे यार गाइस मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा यार, कहाँ पर जाए? अरे फ्रैंकलिन भैया इधर इधर इधर। अच्छा ठीक है चल इधर ही जाते हैं, चल आ जा। एक मिनट भाई साहब अभी हम लोग आए थे भाई साहब यहाँ पे, अरे ये क्या हो गया यार? अरे फ्रैंकलिन भैया देखो यार। अरे फ्रैंकलिन भैया कितना ज्यादा ठंड है यार। अबे हाँ यार अचानक से मौसम का परिवर्तन। अरे फ्रैंकलिन भैया ये टाइटन और बुआ आने के लिए हुआ है यार। अच्छा भाई साहब इतना ज्यादा खतरनाक है? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया टाइटन और बुआ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार। अभी हम लोग वेट करते हैं भाई साहब टाइटन और बुआ की आने के लिए ताकि भाई साहब टाइटन और बुआ आए और भाई साहब अभी हम लोग जो उसको नानी याद दिला दे। गाइस जिंदगी में ऐसा पहली बार देखा है कि मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो दुश्मन मेरे हाथों के सामने आके यहाँ पर जब खड़ा है। अबे भाई साहब तू कौन है? अरे फ्रैंकलिन भैया यही तो है टाइटन बुआ। अबे भाई साहब तू ही है टाइटन बुआ? अरे हाँ मैं ही हूँ टाइटन बुआ और मैं ही यहाँ पे नोबिता और डोरेमोन को ले जाने के लिए आया हूँ, खास करके इस कैट रोबोट को
तो फिर चलो डोरेमोन, तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे भाई साहब, पहले तुम डोरेमोन को ले जाने से पहले भाई साहब तुम मेरे साथ लड़ो यार। अच्छा तो ठीक है, तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ पाऊंगा? अरे भाई साहब यार, तुम भाई साहब मेरे को हल्के में ले रहे हो यार। अरे तो ठीक है, आ जाओ मैदान पे, यहाँ पर ही मैं खड़ा होता हूँ। पहले मैं तुमको मौका देता हूँ, जो मर्जी बो करो, जो मर्जी बो हथियार यूज करो, मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ और तुम उसके बाद में तुम पर जब अपना हथियार यूज करूंगा। चलो शुरू हो जाओ। अरे फ्रैंकलिन भैया यार, हमको टाइटन बुआ से पंगा नहीं लेना चाहिए था यार। अबे भाई साहब, एक कार्टून जैसे रोबोट को तो भाई साहब मैं अपने इसी बंदूक से भाई साहब मार दूंगा। अरे चलो अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, ये ले भाई साहब, ये ले ये ले ये ले ये ले, ये ले। तुमने क्या सोचा? अरे भाई साहब, इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा है यार। चलो कोई बात नहीं भाई साहब, चल तू ये खा। लो फ्रैंकलिन, और करो और करो। अच्छा ये खा भाई साहब। अबे भाई साहब, ये क्या है यार? और क्या है फ्रैंकलिन? तो भाई साहब तू ये मेरा तोप खा। फ्रैंकलिन, ये बेकार का तोप मुझे कुछ नहीं कर सकता। अबे यार गाइस, इसको मैं बहुत मार रहा हूँ यार, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। अबे गाइस, ये तो फिर तू ये खा भाई साहब, ये खा ये खा ये खा ये खा ये खा, ये ले भाई साहब, ये ले ये ले ये ले। अबे यार ये क्या, मेरे बंदूक आगे क्यों नहीं चल रहा है यार? गोली निकल क्यों नहीं रहा है भाई साहब? गोली है इससे। फ्रैंकलिन, तुम टाइटन बुआ से लड़े हो। अबे गाइस, ये चलिए हल्क बस्टर गन, ये लो भाई साहब। अबे यार, इससे भी कुछ नहीं हुआ भाई साहब, तू ये खा भाई साहब। हाँ फ्रैंकलिन, अभी मैं तेरे सामने आ रहा हूँ धीरे धीरे, जो मर्जी बो ट्राई कर। अच्छा भाई साहब, अभी देख भाई साहब, मेरे पास ये लेजर गन भाई साहब, ये ले भाई साहब, ये ले ये खा तू, ये खा भाई साहब, ये खा, ये ले भाई साहब तू, ये खा। पे यार गाइस, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ यार। फ्रैंकलिन, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास सभी हथियार खत्म? अरे यार हाँ, मेरे पास सभी हथियार खत्म। तब ठीक है फ्रैंकलिन, अभी मेरा बारी है। अबे यार बारी मतलब? अरे फ्रैंकलिन भैया, यहाँ पे आओ यार। चलो फ्रैंकलिन, बहुत हुआ तुम्हारा, अभी बारी है मेरा। अभी देखो फ्रैंकलिन। अबे भाई साहब, क्या देखूं? ये खा फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन भैया, अरे फ्रैंकलिन भैया, भाई साहब, अरे फ्रैंकलिन, तू ये खा। अरे फ्रैंकलिन, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, डोरेमोन को तो मैं लेके जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा फ्रैंकलिन। ये खा फ्रैंकलिन, ये खा तू, ये खा फ्रैंकलिन, ये खा। या मैं तो सबको लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा फ्रैंकलिन। ये खा। अभी चलो, मैं जाके डोरेमोन उस कैट रोबोट को लेके जाता हूँ। चलो डोरेमोन, बहुत हुआ, अभी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। टाइटन बुआ आ चुका है तुमको ले जाने के लिए डोरेमोन, चलो। तो फिर यहाँ पर डोरेमोन को जो है वो टाइटन बुआ ने जो है फाइनली अगवा कर लिया है, और फ्रैंकलिन और नोबिता यहाँ पर जो है पूरे तरीके से बेहोश पड़ा है। तो फिर क्या फ्रैंकलिन नोबिता सिंचन मिलके टाइटन बुआ को हरा सकता है? क्या डोरेमोन भाई सब वापस आ सकता है? जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग वही दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय।